इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिजी लॉकर के अंदर अगर आपको इस तरीके से एरर दिखाता है आपके अकाउंट के अंदर, वहाँ पर लिखा हुआ आता है आपको योर ऑथेंटिकेशन फिट, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या एरर रहता है और इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं या नहीं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो एक्चुअली में दिक्कत क्या रहती है, ये क्यों हमें दिखाता है, देखिए हम अपना अकाउंट यहाँ पर फॉरगेट करते होते हैं। अब यहाँ पर हमें नहीं पता होता है हमारा पिन क्या है या हमारा आधार ही क्या है, तो उस सिचुएशन में ये दिखा हम डाल भी देते हैं तो इस तरीके से एरर आता है। यहाँ पर हमें करना क्या होता है, फॉरगेट पर मैंने क्लिक कर, अब आपको पता है कि आपका आधार क्या है, ठीक है, तो आप आधार यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ सही से सिलेक्ट कर लेते हैं, बिल्कुल जो करेक्ट होती है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे नेक्स्ट करते हैं। अभी आ जाता है आपके सामने, ठीक है, ये जो है एडिशनल जो सर्विसेज है उसको प्रोवाइड करवाने के लिए बोलता है, आपकी डिटेल्स जो होती है एडिशनल वो प्रोवाइड करवाने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर आपको जो आधार है उस पर जो नाम डाला है, एक्चुअली में आपका नाम क्या है आधार का जिसका डाला है, जिसका लॉगिन कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको डालना होगा, ठीक है, जो भी करेक्ट हो बिल्कुल वही डालना होगा। उसके बाद आपको उसका मेल फीमेल वो सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये बिल्कुल करेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, करेक्ट नेम डालना है। अगर आप नहीं डालते हैं तो आपको इस तरीके से इशू आ जाता है, योर ऑथेंटिकेशन फेल्ड, तो ये एरर ये रहता है और इसको ठीक करने के लिए आपको सही डिटेल्स डालनी पड़ेगी और तब आप उसको जो है एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।